जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, पूरे देश में ये चलन बन गया है, जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चेतर बसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी, और उनके घर में उनके उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी, उसमें जो लोगों में गुस्सा आक्रोश नज़र आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो ज़रूर जो आदिवासी समाज है वो चेतर बसावा के लिए खड़ेगा, चेतर बसावा के लिए लड़ेगा, और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, पूरे देश में ये चलन बन गया है, जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चेतर बसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी, और उनके घर में उनके उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी, उसमें जो लोगों में गुस्सा आक्रोश नज़र आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो ज़रूर जो आदिवासी समाज है वो चेतर बसावा के लिए खड़ेगा, चेतर बसावा के लिए लड़ेगा, और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, पूरे देश में ये चलन बन गया है, जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चेतर बसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी, और उनके घर में उनके उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी, उसमें जो लोगों में गुस्सा आक्रोश नज़र आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो ज़रूर जो आदिवासी समाज है वो चेतर बसावा के लिए खड़ेगा, चेतर बसावा के लिए लड़ेगा, और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता।